বলো निकलने वाला हूँ एक टूर के लिए जो काफ़ी लंबा टूर है और आपको पता चल जाएगा आगे की वीडियो में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कैसे जा रहा हूँ, कैसे ट्रेवल कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमने अपना सामान देखिए रेडी कर रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं अब यह व्लॉग। और ये इस व्लॉग में जितनी वीडियो आएंगे वहाँ के बारे में रहेगा, एक्सप्लोर किया जाएगा। Gotta find my way to you, even though you're next to me. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you, your heart is drifting out of reach. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं सीधे बैग वैग तैयार लेकर, सीधे गाड़ी मिलते हैं। अभी हम लोग पंडित दीनदयाल स्टेशन पहुंच चुके हैं। हमारी ट्रेन 7 बजे के आसपास है, 7:45 की, जो कि ऑन टाइम चल रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहां से सीधे जाऊंगा न्यू जयपालगुड़ी से फिर दार्जिलिंग जाने का प्लान है। फिर उसके आगे का प्लान आगे की वीडियो में मिलता रहेगा आप लोगों को। अभी हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमारी ट्रेन है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जो कि न्यू जयपालगुड़ी तक मुझे जाना है। मैं आपको पंडित दीनदयाल स्टेशन के कुछ लुक्स दिखा देता हूँ, आप लोगों को देख सकते हैं। हमारी ट्रेन जो है कि 20 मिनट में आने वाली है और ट्रेन ऑन टाइम चल रहा है, जैसा कि लाइव स्टेटस में मैंने भी चेक किया। तो हम लोग प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं कितना एसी गैलरी है। तो यहाँ पे स्टेशन पर बहुत सारे बंदर भी होंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन स्टेशन काफी साफ सुथरा है, पहले की तरह नहीं है कि हाँ स्टेशन का। अच्छा, हमको सिखा दिया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह ट्रेन में उठा हूँ नॉर्थ ईस्ट में। आप देख सकते हैं जैसा कि अभी इधर बाहर का नज़ारा, इधर मौसम काफ़ी ठंडा है, जैसे लग रहा है बारिश कई दिनों से हो रही है। अभी आप बाहर का मौसम देख सकते हैं, जैसे हम लोग तरफ बहुत गर्मी थी, इधर बारिश का मौसम और काफ़ी ठंडा बाहर भी मौसम है। आप लोगों को अंदाज़ा भी लग रहा होगा, जैसे इतनी हरियाली, अगर घास हरे हैं तो इसका मतलब गर्मी नहीं पड़ रही है। आपको यूट्यूब चैनल है, मेरे नाम से खोलिए, अपने नाम से खोलिए। नहीं, मेरे नाम से पहले खोलिएगा तो ही मैं अपलोड करूंगी, ये जरूरी होता है। हम लोग घर पे वीडियो बनाते ही रहते हैं, वो अलग बात है कि हम लोग, मेरे आवाज किसी को नहीं जाती, मैं ऐसे ही बनाती ये देखिए लड़की गुस्सा आ गई है, काफी देर से काफी इंट्रो दे रही थी। हाँ, काफी इंट्रो दे रही थी। 10 से 15 तरीकों से इंट्रो दी, और इसके हाथ में देखिए जो टिकटॉक वाला चश्मा। ये पागल लड़की है, सबसे ज्यादा मजे यह लड़की ले रही है इसकी। बोलो क्या जानने के लिए, मैं कहूँगी अगर आप 2 मिलियन मेरे कर देंगे तो हम दोनों का नाम उनको पता। अच्छा, मैं पता कर लूंगा आप लोगों का ना। नहीं,
अच्छा हाँ तो बोलो ना कि हम लोगों का नाम जानना है तो 2 मिलियन कराए बोलो ये देखा दीदी मैं पागल हूँ पुष्पा फ्लावर समझा क्या माली है ये अभी अभी हम लोग अपने नए जलपाईगुड़ी पे पहुंच चुके हैं स्टेशन पे। अब दार्जिलिंग के लिए यहाँ से टैक्सी हायर करेंगे और जाएंगे।